सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं चाहूंगी कहना कि जब भी नोएडा आने का प्रोग्राम बनता है तो मुझे रास्ते में इतनी रुकावटें हो जाती हैं, और आज एक पुरी जैसा बंद हो गया था। मैं सोच रही थी कि सब लोग इंतजार में बैठे होंगे, तो अब अगले वक्त से नोएडा में रहना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन प्रतीक्षा भी एक बड़ी भारी चीज है। अनेक विध लक्षणों से वर्णित करते थे, बताते थे कि परम चैतन्य ये है और परम चैतन्य ये है। कभी निराकार को बताते थे, कभी इस आकार को बताते थे, और समझाते थे कि इस निराकार को प्राप्त होना ही अवश्य यही एक और बाकी सब चीज बेकार। सब लोग यही कहते आए हैं कि ये सब साधु संत महात्मा और बड़े बड़े ऋषि मुनि एक बात कहते आए, आपको परमात्मा को प्राप्त करना है। लेकिन हमने तो परमात्मा को देखा नहीं, हमने तो परमात्मा को जाना नहीं, फिर हम उन्हें किस तरह से प्राप्त करें? ये तो एक सर्वसाधारण मनुष्य के दिमाग में विचार आना जरूरी। पहले जब कुंडलिनी के और बहुत से लोगों का ध्यान गया तो उन्होंने तो चक्रों में घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि मनुष्य या तो लेफ्ट को जा सकता है, राइट को जा सकता है। लेफ्ट से राइट पे घूमते हुए इस तरह से लेफ्ट से आए, राइट पे गया, राइट इस तरह से चक्रों के चारों तरफ घूमने लगे। उसे चक्र दिखाई देते, उनका रंग दिखाई देता और उसमें बसे हुए देवता भी दिखाई देते हुए। तो उन्होंने ये बात की शुरू की कि चलो ये देवताएं हैं, इनकी पूजा करो, इनकी पूजा करने से और आप परमात्मा तक पहुंच जाए। उसको साकार रूप में उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन जब बाद में लोगों ने देखा कि ये तो सिर्फ इन साकार रूप की बात कर रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने संतों ने ये सोचा कि ये साकार रूप की बात करने से तो इन्हें साकारों की मूर्तियां बना ली और उसकी पूजा करते बैठे रहेंगे। जैसे कि आपको शहद चाहिए तो आप फूलों की बात करिए, फूलों की बात उन्होंने शुरू कर दी कि भाई फूल ऐसे होते हैं, इस तरह के फूल हैं, उस तरह के फूल हैं, इसमें शहद है, उसमें शहद है। लेकिन वो तो बात रह गई। उसके बाद साधु संतों ने विचार किया कि चलो साकार की बात छोड़ो, निराकार की बात। निराकार में ये कहो कि हमको तो सिर्फ शहद चाहिए और बाकी फूलों की बात बंद कर दो, क्योंकि ये लोग तो उसी में भूल गए, उसी में पकड़े हुए हैं, उसी में बैठे हुए हैं। तो चलो निराकार की बात करें। तो उन्होंने निराकार की बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि परमात्मा को निराकार में ही प्राप्त, शहद की बात शुरू कर। पहले तो फूलों की बात हुई और फिर शहद की बात। लेकिन उनके लिए जो यथार्थ था, वास्तविक बात थी, उनके लिए जो असलियत थी, वो सबके लिए भ्रम था। साकार की बात भी एक बात थी और निराकार की बात भी एक बात। बातें होती रही,
लेकिन किसी ने प्राप्त नहीं किया उस निराकार, उस निराकार को प्राप्त करने के लिए आपको मधुकर होना चाहिए। अगर आप मधुकर नहीं है तो इन बातों से आप उसे पा नहीं। पर हर बार उन्होंने ये बात कही, चाहे वो साकार वाले हो चाहे निराकार वाले। महाराष्ट्र के बड़े भारी कवि नामदेव थे, इन्होंने साकार की बहुत पूजा की, विठ्ठल की पूजा की और विठ्ठल के चरणों में अपने पूरी तरह से समर्पित किया। उनका एक नौकरानी थी, वो भी इसी तरह से रखुआ, उसने भी उस पर बहुत सारे भजन लिखे और यही वर्णन किया कि अब मैं तो परमात्मा में लीन हो गई हूँ, उसे एकाकारिता मैंने साधित कर दी। तो लोग उसको विश्वास नहीं करते, वो सोचते थे क्या पागल जैसी बातें कर रही, नामदेव पर भी किसी को विश्वास नहीं था। एक दिन नामदेव एक दूसरे आत्म साक्षात्कारी बड़े बहुत पहुंचे हुए ऐसे इंसान थे जिनका नाम था गोरा कुमार, उनसे मिलने गए। दोनों भी आत्म साक्षात्कारी बहुत ऊंचे दर्जे के लोग थे। जाकर के ये तो दर्जी थे और वो एक कुम्हार थे, तो नामदेव जब जाकर के गोरा कुम्हार के सामने खड़े हुए तो देख रहे हैं कि वो अपने पैर से मिट्टी को रौंद रहे। ऊपर देखते साथ हटात वो खड़े हो रवा, एक मिनट कुछ बोल नहीं, उसके बाद उनके और हाथ करके कहते हैं कि मैं तो यहाँ निराकार को देखने आया था, मैं तो चैतन्य को देखने आया था, निर्गुण को देखने आया था, पर निर्गुण को मैंने साकार में देखा। क्या ये पहचान और ये क्या समझ, और इस तरह की आपसी श्रद्धा और भक्ति सिर्फ योगियों के बीच में हो सकती, मनुष्य मनुष्य को नहीं समझता। उसके बाद नामदेव जी नानक साहब के पास आए, जहाँ कबीरदास जी भी थे। श्री नानक साहब ने बहुत बड़ा कार्य किया कि उस वक्त जो जितने आत्म साक्षात्कारी साधु संत थे उनकी वाणी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के लिखा, जिससे वो इसी लोगों की वाणी पढ़े और कुछ न पढ़े। लेकिन नामदेव से उन्होंने कहा कि अब तुम निराकार पे लिखो, साकार पे बहुत लिखा, तो उन्होंने भी निराकार में लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने भी बहुत कुछ निराकार से लिखा और पंजाबी भाषा सीख गए। मैंने उनकी इतनी बड़ी किताब देखी है जिसमें उन्होंने पंजाबी में निराकार का भी वर्णन किया और बहुत सुंदर वर्णन। अब वो महाराष्ट्र से एक दर्जी चले आए, ये गुरु नानक साहब यहाँ इतने बड़े पूजे हुए थे, आपस का उनका मिलन, आपस की समझ, आपस का अपना भाई, किसी न किसी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से हुआ हो, कोई न कोई ऐसी अंतर्विधि से हुआ है जिससे इन्होंने आपस में पहचान लिया। यह पहचानना अपने को जाने बगैर नहीं हो सकता। अभी जब हम देख रहे हैं तो हम कहते हैं मैं मेरी आंख से देख रहा हूं, जब हम सुन रहे हैं तो कहते हैं कि हम हमारे कान से सुन रहे हैं, और जब जान भी रहे हैं तो हम सोचते हैं हम अपने बुद्धि से जान रहे हैं। लेकिन ये जो मेरी आंख है मैं कौन, और जो मेरे कान है उसमें का मैं कौन, और जो मेरी बुद्धि है उसमें का मैं कौन है, वो मैं कौन जानने के बाद जो कुछ भी देखा जाता है, जो कुछ भी सुना जाता है और जो कुछ भी जाना जाता है वो एक में भक्ति और वही एक में निराकार परमात्मा का दर्शन। इस आत्मा की प्राप्ति के बारे में सब लोगों ने
बहुत श्रद्धाएं करी, पहले भी करी और आज भी करे। जितने जितने बड़े बड़े संत साधु हो गए, इतने बड़े बड़े पैगंबर हो गए, सबको मारा, सबको तकलीफ दी, परेशान और चाहा कि हमारे नाम से एक धर्म शुरू हो जाए, उनके नाम से एक धर्म शुरू हो जाए। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी पेड़ पर बहुत से फूल अलग अलग समय पर एक जीवित शक्ति के साथ पैदा हुए थे और उसी जीवित शक्ति से वो परम रहे, लेकिन लोगों ने फूल ये तोड़ लिए और कहा ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और अपने को बड़ा बड़ा समझ करके और उस सूखे हुए फूलों को मान लिया और असलियत को छोड़ दिया। इसलिए वो भाईचारा जो नामदेव में और गोरा कुम्हार में है वो मनुष्य जाति में नहीं दिखाई देता है, बात बात को लेकर लोग झगड़ा करते हैं। जैसे मैंने देखा कि भाई तुम इस मोहल्ले में रहते हो तो मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, तो ठीक है हमको तो झगड़ा करना चाहिए क्योंकि तुम तो दूसरे मोहल्ले में रहते हो, अब सब लोग एक मोहल्ले में कैसे रहेंगे। फिर कहेंगे अच्छा तो तुम एक मकान में रहते हो और मैं दूसरे में रहता हूँ, तो हम तो दो हो गए, तो हमको झगड़ा करना चाहिए क्योंकि दो हो गए। फिर तुम एक कमरे में रहते हो मैं दूसरे में रहता हूँ, मियाँ एक कमरे में रहते बीवी दूसरे कमरे में रहती तो झगड़ा होना ही हुआ क्योंकि दोनों दो कमरे में रहते। लेकिन एक होने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें होना चाहिए जिससे हम सब एक हैं? ये सिर्फ दिमागी जमा खर्च न हो, ये सिर्फ भावना मात्र न हो, लेकिन ये हमारे अंदर एक सत्य स्वरूप हमारे अंदर ये प्रकट हो, इस तरह से हमारे देखने की क्या रोशनी है। इसके लिए हमारे आत्मा का हमें दर्शक होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो ये विश्वव्यापी है, हमारे अंदर आत्मा का दर्शन जो हो रहा है वो एकमेव परमात्मा का हमारे अंदर दर्शन हो रहा है और वही सबके अंदर हो रहा है। जैसे अलग अलग शीशे लगे हुए हैं उसमें एक ही चीज दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा कौन? लेकिन जब तक ये दर्शन हमें नहीं होते तब तक हम दूसरे में ये चीज देख नहीं पाते हैं। हम अपने को अलग सोचते हैं, उसको अलग सोचते हैं और उसके दर्शन को पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए हम लोग आपसी को कहते हैं प्यार या आपसी समझ या आपसी गौरव और आपसी मान हम नहीं करते। हाँ पैसे के लिए करेंगे, किसी मतलब के लिए करेंगे, किसी वजह से करेंगे, या हम ज्यादा से ज्यादा माँ बाप है इसलिए करेंगे, या जब हम किसी चक्कर में आ जाते हैं कि भाई हम लोग इस विचार के, उसका कहना हम इस विचार, उसका कहना हम इस विचार, तब इसलिए हम एक हो जाते हैं कि हम दूसरों से नफरत करना चाहते हैं। नफरत के नाम पर लोग में एकता फौरन आ जाती है, लेकिन प्रेम के नाम पर कभी आए। और आज तक हमने सिर्फ नफरत की शक्ति इस्तेमाल करी, कभी भी प्रेम की शक्ति इस्तेमाल नहीं करी, जो कि बड़ी जबरदस्त। इस शक्ति के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता, ऐसी प्रचंड शक्ति के आगे सभी भूल जाए। और इसमें आपका भी हृदय इतना विशाल हो जाएगा, आप इतने महान हो जाएंगे कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि क्या ये बही हो जो इतना मुझमें रंग चढ़ गया, जो मैं इतना बदल गया, मुझमें इतना परिवर्तन आ गया, मैं तो इस तरह का था, ये हो क्या गया मुझे? वो आप कुछ नहीं, जो आपके अंदर सूक्ष्म शक्ति है जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपकी माँ अपनी अलग अलग माँ है, इस माँ ने आपको जागृति दे दी, आपको जन्म दे दिया दूसरा, और इसके कारण आपने अपने आत्मा के प्रकाश को पा लिया। इस आत्मा के प्रकाश को पाते ही आप दूसरे हो जाते हैं, अंधेरा भी हो जाए तो मिलिए, तो आप जानिएगा नहीं कौन आपस में बैठा है, आप इसको गुजरते चले जा रहे हैं,
आप किसको ढकेलते चले जा रहे हैं, आप किसकी जगह लेते चल रहे, कुछ दिखाई नहीं देते। ऐसे प्रकाश आ जाएगा, आप समझ आएंगे कि हम सब एक विंडोज नीचे बैठे हैं आराम से। ये प्रकाश आज इस दिल्ली में, इस नोएडा में, और या तो इस भारतवर्ष में आना तो जरूरी है ही, पर सारे संसार में आना जरूरी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि इस प्रकाश का स्रोत आपका देश, इसी देश से यह प्रकाश सारे संसार में फैलने वाला है। आप ही इसका लैंप है, समझ लीजिए, आप ही इस प्रकाश को देने वाले, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी होगी। बाहर के देश जो है वो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि एक वृक्ष बढ़ जाता है, लेकिन इसके मूल तो इसी देश में बसे हुए हैं, इसी देश में इसके मूल है। और ये जो बाहर का पेड़ है, इसको अगर इसका सत्व नहीं मिलेगा ये तो मर जाएगा, और उसका सत्व यही खोया हुआ हम लोगों में बसा। वो पेड़ सारा सूख रहा है, उनको मालूम है कि हमारा सत्व क्या ना, तो वो जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो भाई अमीर है, ये है, कुछ नहीं है। देखिए बड़ी दुर्दशा है, क्योंकि मैं तो वहां रहती हूँ, मैं जानती हूँ सबको, देखते तो मैं आई हूँ। और वो आते हैं यहाँ पर, और मुंबई में जैसे ही आते हैं तो जमीन पे अपने दोनों हाथ रख के माथा टेकते हैं, कि हमें भी थोड़ा प्यार, तुमने तो हिंदुस्तानियों को बहुत देखा, हमको भी थोड़ा प्यार। और इस तत्व के आप धरोहर आपके पास है, हेरिटेज है आप, और उसे आप छिपाए बैठे। ये सारे गुण आपके अंदर हैं, सारे संसार की भूख आप विवाह कर सकते, सारे संसार में शांति आप ले सकते, इतिहास में नाम जाएगा आपका जब आप सहयोग में उतरेंगे और लोगों के सामने दिखाएंगे कि सहयोग से मनुष्य किस स्थिति में पहुंचा, उत्तम मनुष्य हो जाए। इतना ही नहीं, उसके जितने भी गुण है उसमें एक नम्रता है, अत्यंत नम्र होकर के, अत्यंत प्रेममय होकर के, और वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसके अंदर कोई खराबी टिक नहीं सकती, वो भाग जाती। तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं कहती हूँ हिंदुस्तानियों पर है। गर्व होगा नहीं तो गर्व दुनिया मिल गई तो हिंदुस्तानियों की कॉपी पर इसकी जिम्मेदारी। हम लोग अटके कहाँ है, मेरी समझ भी नहीं आता। हमने अपने देश के बारे में कुछ जाना ही नहीं, तो हम इस देश को प्रेम कैसे करेंगे। इतनी सीमा में बन गए हैं, इतनी छोटी छोटी बातों में उलझ गए हैं, ऐसे हम शुद्र हो कैसे। अरे हमारे यहाँ तो एक से एक महान हुआ है, वो तो किसी ने देखे नहीं। हमारे यहाँ जैसे राजा महाराजे हुए हैं, किसी ने देखे नहीं। वहाँ के राजा महाराजाओं को देखो, इंग्लैंड के एक राजा ने तो अपनी 7 पत्नियों को मार डाला। यहाँ अगर कोई अपने पत्नी को मारे भी तो उसको उठा के लोग फेंक देंगे राजा को। ऐसे देशों में वहां जाकर आप देखिए कि जहाँ बच्चों को, एक लंदन शहर में 2 बच्चों को उनके माँ बाप मार डालते हैं आज, जिनके अंदर एवरी वीक, ये तो वहां का कमाल है। और हम लोग जानते नहीं कि हमारे पास कितनी चीजें हैं, हमने क्या क्या पाया। आज सब डांस देखा, ये साकार में परमात्मा का दर्शन साकार में बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने उनसे बताया कि चाइना में मैं गई थी और जापान में मैं देखी, तो लाउड से वैसे ही विदितामा जो 2 आदमी थे उन्होंने निराकार में इसका दर्शन दिया। उनकी सब प्रणालियां निराकार में, और उसमें उन्होंने अपनी कला सब बनी हुई, उस कला में उन्होंने उसको बांध बांध के निराकार दिखाया हुआ है, और यहाँ साकार में दिखाया जाता है। पर इसका कोई अर्थ, कोई समझता थोड़ी है, कोई जानता थोड़ी है इसमें क्या दिखाया जा रहा। इन्होंने दिखाया है कि हमारे साथ उस प्रेम की शक्ति है
जो शक्ति दुष्टों का संहार कर सकती है, और वो शक्ति जो साधु संत है उनको बचा सकती है, धर्म का उत्थापन कर सकती है और मनुष्य को आत्म साक्षात्कार दे सकती है। ये सारी बातें इसमें कही गई, लेकिन क्या हम इसे कभी देखेंगे अपने अंदर? क्या वही भजन भजन गाते फिरेंगे कि हाँ भाई ये भजन में लिखा है कि तुम अपने को खोजो? जो भजन में लिखा है उसको पढ़ने पढ़ने की क्या आप अपने को पा सकते? तो ये आत्म साक्षात्कार का कार्य होना चाहिए, और इसके बारे में हमारे यहाँ अनेक भविष्यवाणियां होती, उस भविष्यवाणी के अनुसार हमें इसे प्राप्त करना, इसे पूरी तरह से प्राप्त करना है। और जब हम पूरी तरह से इस योग में उतर आएंगे, इस सहज में उतर आएंगे, तब कोई भी बात असहज नहीं, कोई भी परेशानी मौज में आया। जैसे कभी दास जी ने कहा, जब मस्त हुए फिर क्या बोले, अब तो मस्त हो गए, अब क्या बोले, तुम बोलने की दशाई नहीं गई, हम तो मस्ती में आ गए। ये सारा कुछ जो वर्णन है ये सब व्यक्त हो सकता है, लेकिन ये जानना चाहिए कि हमने जो चीजें छोड़ दी परमात्मा के लिए, बहुत हमने देखा मान मान पैसा ये वो, चोरी चकारी, उसको काट, उसको मार, उसको पता, उसका नाम बदनाम कर, सब कुछ कर ली, झगड़ा झगड़ी सब खत्म हो गया, और वो सोचकर के आज हम सहयोग में आए तो हम किस लिए आए? वो चीजें अभी हमारे साथ जरा रही है, तो ऐसा ही होगा कि एक पैर मगर के मुंह में है और एक पैर नाव में, तो आप तो बच नहीं सकते। लेकिन कभी कभी नाव भी डावाडोल हो जाए, तो इस नाव की भी जिम्मेदारी आप पर है, जो आपको पार उतारे और आपको ले जाए, उस नाव को भी आपको सुरक्षित रखना, और उसके लिए अपने में वो संपर्क तैयार करना है, अपने अंदर वो शक्ति तैयार करना है जो प्रेम की शक्ति है। मैं बार बार यही कहूंगी कि ये प्रेम की शक्ति है, इसमें किसी तरह की नफरत नहीं। प्रेम की शक्ति में मनुष्य को जरूरी नहीं कि वो बहुत डिसिप्लिन करे कि आप लाइन से खड़े हो जाओ, लेफ्ट राइट करो, राइट को लेफ्ट करो, राइट को लेफ्ट करो, कुछ भी करो, कर सकते। ये बाह्य चीजों में कुछ रखा है। देखो पेड़, उसकी जीवन से क्रिया होती है, वो किसी तरह से बढ़ता है, अपनी सूझबूझ से बढ़ता है। एक जब अंकुरित होता है तो एक छोटा सा, इतनी छोटा सा सेल होता है, और वो सेल बराबर जानता है कि मैं किस तरह से नीचे जाऊं और किस तरह से सुधरता हुआ वो पृथ्वी में किस तरह से जाता है, और जहां कहीं उसको पत्थर दिखाई देता है उसको रिस्टर दे देता है। उसको ये विचार अगला कि देखो ये जब पेड़ होगा तो उसका फायदा, और फिर वो किस तरह से दूसरे जाता है। ऐसे हजारों सेल हमारे अंदर है, अभी वो सिर्फ जागरूक नहीं हुए। जिस दिन जागरूक हो जाएंगे तो हमारे अंदर ऐसी सूझबूझ आ जाएगी कि हम अपने को एक ठहरा हुआ इंसान, बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी भाषा में, खासकर पंजाब में मैंने शब्द सुना ठहरा, कि ठहरा हुआ जैसा एक पेड़ ठहरा, और अनेक ऐसे वन बन जाए, ऐसे अनेक वन बन जाए जो कि कल्प करू जैसे, और संसार का सारा उद्धार आपके हाथ में, आप अपने को सामान्य समझते हैं इसलिए इन चीजों में आप लग रहे हैं, तो बिल्कुल बेकार, इसका कोई नहीं अर्थ निकलने वाला, और इतिहास में आपका नाम जाएगा कि इतने बेवकूफ और इतने मूर्ख और इतने दुष्ट हिंदुस्तान में आए थे, शायद हो सकता है उसका नंबर न दे। लेकिन आप जिसकी लोक संख्या बहुत ज्यादा, लोग कहते हिंदुस्तानी की लोक संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि इस देश में व्यवस्था लोक संख्या की प्रेम। इस प्रेम की शक्ति को आप बढ़ाना चाहिए, सहयोग में आप जानिएगा कि इस प्रेम की शक्ति से अनेक लोग ठीक हो, कैसी कैसी बीमारियां छूटी थी। परसों की बात है, एक बच्चा 9-3 साल की उम्र लड़का था, उसने कभी उसके जबान से एक शब्द किसी ने सुना नहीं, कभी उसकी आवाज नहीं निकली, वो कुछ सुन नहीं पाता था, वो 5 मिनट में बोलने भी लग गया और सुनने भी लग गया।
ये सहयोग की कृपा, सहयोग की कृपा से आप भी जानते हैं कि कितने ही ब्लड कैंसर सब कितनी बीमारियां ठीक हुई। अब मैंने आपसे बताया कि पर्स में अभी हम रहते तो हमने एक की भी बीमारी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन ये तो कम से कम होगा, जिस मंदिर में आप दीप जलाते हैं उसको पहले सफाई तो कर लेना पड़ती है, फिर उसमें दीप जलता है, यह तो कम से कम। और मन की शांति और आपसे एक साक्षी स्वरूप, जिससे आप सबको साक्षी स्वरूप होकर देखते हैं और समझते हैं, ये देखने की चीज है, निरंजन देखने की चीज है, इसे उलझने की चीज नहीं। सब आनंद आपके अंदर उमड़ के गंगा जैसे बहने लगे। ये सब अनुभव आपके सामने है, आपके बीच है, आपको मिलने वाला है, आप प्राप्त कर सकते हैं, आप योग्य हैं। एक निश्चय होना चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार में बस यही एक शुद्ध इच्छा है, और इसी शुद्ध इच्छा की ही शक्ति कुंडली में, बाकी सब इच्छाएं अशुद्ध है या जानते हैं आप, क्योंकि बाकी कोई भी आप इच्छा करते हैं उसके तृप्ति के बाद आप आनंद नहीं प्राप्त करते, आप दूसरी और तीसरी और चौथी चीज को खोजते। इस चीज को प्राप्त करना भारतीयों के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं जहां भी जाती हूँ आप ही जैसे हजारों लोग हजारों आते हैं, सब पार हो जाते हैं, पर उसमें से कितने पनप करके पेड़ बनते हैं ये देखो। जैसे अगर कोई बीज उग जाए, ईसा मसीह ने कहा है, और वो ऐसी भूमि पे पड़ जाए जहाँ वो पनप नहीं सकता, तो वो तो व्यर्थ ही गया ना, इधर का रहा ना उधर का रहा। हालांकि इतने लोग पार हो जाएंगे कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि मैं कैसे हो गया, और ये कि ब्रह्मानंद से आपकी कुंडली निकल करके आपको लगेगा ठंडी हवा आ रही, चारों तरफ चैतन्य आपको लगेगा, सब कुछ हो जाएगा, और चार पांच दिन आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ क्या मजा आ रहा है। पर इसे जमना पड़ता है, और उस जमने की एक स्थिति के लिए ज्यादा से ज्यादा महीना भर सोचना पड़ता है। और अगर निश्चय पूर्वक आप ये करें, निश्चय पूर्वक ये कार्य, मैं देखती हूँ दुनिया में इतने झूठे हुआ है, इतनी छोटी बातें बताते हैं, आप लोगों से पैसा मांगते भिखारियों जैसे, ये गुरु कैसे हो सकते हैं? तो आपके नौकर होंगे ना, तो भिखारी होंगे जो आपके पास रहते हैं, मैं अगर आपको पैसा दूं तो क्या आप उसे ले लेंगे? आत्म सम्मान नहीं, दूसरों के पैसे पे जी रहे हैं और आप उनको पैसे पे पैसे चढ़ाए जा रहे हैं। पैसे से कभी परमात्मा मिल सकता? उसको तो बेचारे को पैसा भी समझ में आता, उसको क्या बैंक पता है? ये तो आपका सर दर्द है, पैसा, बैंक, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, परमात्मा का इसके क्या संबंध? और ऐसे झूठे गुरुओं के पीछे पड़ करके, और आप मैंने देखा है लोग, हाँ मेरे गुरु ने मुझसे लाया है 1,25,000 आपको नाम सवा लाख तो इतना नहीं आता तो परमात्मा को पाई सवा लाख नाम इसमें बैठे। एक गुरु ने मुझे बताया है कि तुम इस पे पहाड़ पे चढ़ो, 7 मरतबा और 7 मरतबा और एक आदमी पानी मत पियो, थोड़ी कर। और किसी गुरु ने बताया कि तू ला करके मुझे 1,25 तोला सोने दे, नहीं तो 1,25 तोला तो सोना दे, फलाना दे, ठिकाना दे, ये कर दे, वो दे। मुझे तो लगता है कि अच्छे देना चाहिए, उसके बगैर ठीक नहीं होने वाले। और आप उनको इतने देते हो, इतनी श्रद्धा, मेरे क्या गुरु है, क्या करते नहीं ऐसा कुछ करते, इसे सेवा की पेटी है, वो तो बैठे रहते ऊपर कुछ बोलते नहीं, वो बोलते नहीं मौनी है और फिर तो वहां क्या समझा, नहीं वहां सेवा की पेटी है, वहां उसमें आप चाहे दो डाल चाहे भी डाल, आप चाहे 1 रुपया डाल दो, चाहे 1 लाख डाल दो, या 50,000, उनको सब मान्य है। वाह वाह, बहुत ही अच्छा है।
और इसलिए धर्म से लोगों की श्रद्धा हटती ही जाएगी, क्योंकि ये कोई धर्म हुआ? पैसे कमाने के धर्म नहीं। इसी प्रकार सारे धर्मों में आजकल सारे धर्मों में गड़बड़। हमारे क्या मंदिरों में कम है कि मस्जिदों में कम है कि गुरुद्वारे में कम है? कहीं पर भी मुझे नहीं दिखाई देता कि सच्चाई से उस परमात्मा की प्रार्थना। हाँ, भक्त लोग सच्चे, भक्त लोग सच्चे वो जाते बेचारे बड़े भक्ति से जाते, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो वहां बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि और जगह, उनकी दृष्टि और जगह। अगर उनकी दृष्टि ऐसी हो परमात्मा तो इन भक्तों को कुछ दे तो जरूर काम हो जाएगा, जरूर काम बन जाएगा। लेकिन मैं सब दुनिया देख चुकी, अब मुझे लगता है कि इंसान ने धर्म अपने जेब में डाल लिया और उसको जैसा चाहे वैसा करता है। और हमारे बच्चे अब कह रहे कि ये क्या धर्म हुआ तुम्हारा, इसको क्या धर्म करते हो? हर तरह की शराब तुम पीते हो, हर तरह के धंधे तुम करते हो, चोरी करते हो, चकारी करते हो, आपको परेशान करते हो, ये कोई धर्म हुआ? कोई सा भी आप धर्म तो देख लीजिए, किसी भी धर्म में आज कोई मनुष्य खड़ा है तो वो ये नहीं कह सकता है कि इस धर्म का आदमी खराब नहीं है, या इस धर्म का आदमी कोई बात नहीं करता है, या इस धर्म के आदमी ने कभी भी कोई ऐसी दुष्ट बात नहीं करी, किसी पे कोई धर्म का बंधन ही नहीं पड़ता। इसका मतलब धर्म अंदर से जागरूक है। ये जो कुंडलिनी है, ये जो ये आपके अंदर वो धर्म जागरूक करते, फिर आप संत हो जाते हैं, आप खुद ही उस धर्म में जागरूक हो जाते हैं। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही उस धर्म में उतर आते हैं और धर्म आपके अंदर जागरूक हो जाता है। इसके बारे में सबने कहा है कि अपने ही अंदर जागरूक, तब फिर जो विश्व धर्म है उसको आप समझे कि विश्व में एक ही धर्म है और वो धर्म ये है कि परमात्मा का और हमारा संयोग, यही एक इस योग के सिवाय और कोई धर्म नहीं। जब ये हो गया तो सब कुछ मिल गया। जब तक इस बिजली का कनेक्शन नहीं होगा तो क्या ये बिजली जलेगी? जब तक इसका कनेक्शन नहीं होगा तब तक ये काम करेगा? इसी तरह से आपका कनेक्शन उच्च हो जाए, योग घटित हो जाए, आपके जीव का परमात्मा से संबंध हो जाए, इस परम चैतन्य से संबंध हो जाए, इसके अलावा और कोई चीज की जरूरत नहीं। फिर सारा धर्म आपके अंदर उतर आएगा, सारा शास्त्र आपके अंदर उतर आएगा, सारा ज्ञान आपके अंदर उतर आएगा, सारा सत्य आपके अंदर आ जाएगा और आप आनंद में ही डूबते रहेंगे। और ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट में आ गया हूँ, सारी चीज सामने चली आ रही, सब चीज हुए जा रहे, कैसे हो रहा, ये चीज कैसे बन रही, ये चीज कैसे घटित हो रही। इसके लिए पहले सिर्फ आप इतना ही सोचे कि माँ आज हमें आप जागृति दे दीजिए, हम जागृति चाहते, बस उसकी कोई बात नहीं, इतनी इच्छा आप लोग करें और ये कार्य हो जाए। आशा है आप लोग सब तैयार हैं और अब थोड़ी देर में हम चाहेंगे कि आपको साक्षात्कार की प्रक्रिया करें। उसमें कुछ करना नहीं, क्योंकि सहज है, अपने आप ही घटित होती है, जीवन प्रक्रिया है। जैसे बीज को आप जमीन में छोड़ दीजिए अपने आप घटित होता है, उसमें से अंकुर निकला, ऐसे आपकी भी किया होगी। लेकिन मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगी कि आपके चक्र आप किस तरह से समा, बस आप लोगों को सवाल तो जरूर होंगे क्योंकि दिमाग तो चलते ही रहता, दिमाग नहीं ठहरने वाला, पता बहुत से सवाल लोग पूछते रहते। मैं कहूंगी कि आप मुझे सवाल लिख करके दे दीजिए और कल कहाँ पर है प्रोग्राम, आप रामलीला ग्राम, रामलीला ग्राम में मैं आपको उत्तर दे दूंगी। अच्छा, तो आप शांति से बैठे, पहली बात कि अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त, पहले ये कि तुम पापी हो, तुमने ये काम किया, ये सब बेकार बातें हैं, कोई अर्थ नहीं। अरे मनुष्य तो गलती करेगा, कोई परमात्मा गलती करते हैं? तो मैंने ये किया, मैंने फलानी गलती करी, ये सब भूल जाइए, ये पिछली बात है, पिछला सब भूल जाइए, भूतकाल सब, कोई भी गलती करी कुछ भी आपने किया उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप दरबार में आए हैं, बस यही बड़ी भारी बात। तो जो अपने को दोषी समझते हो तो सोचना चाहिए कि अभी अगर आप दोषी हो तो यहाँ ना बैठे, तो जेल में होते, और जो जेल में बैठे वो भी पार हो जाते हैं।
क्योंकि परमात्मा का तरीका और है और उनका जजमेंट और है। और कुंडलिनी आपके बारे में सब जानती है, वो आपको संभालेगी। आप मेहरबानी से अपने ऊपर न्यायाधीश मत लगाइए और अपने को मत सोचिए कि मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी, और अपने को दूषण मत दीजिए और अपने को गिराइए। पहली तो बात ये शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि आप सबको एक साथ माफ कर दीजिए। पहले तो अंग्रेजों को माफ करिए, 300 साल हमारे कोकिल में बैठे। मैंने इतने अंग्रेजों को पार कराया है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। इन दुष्टों ने बहुत सताया, मुझे बहुत सताया। अच्छा चलो छोड़ो, लेकिन इससे पार हो गए। तो पहले तो इनको क्षमा करो, 300 साल अपने खोपड़ी पे बैठे और अपनी समय भी करा दी, झगड़ा लगा दिया और चल दिए। उनके यहाँ झगड़े अब बहुत हो रहे हैं, उसके फल भोग रहे हैं, भोगने दो। सबको माफ करो, सबको माफ करो। ये ना गिनते बैठो किसको माफ करना, किससे तकलीफ से कुछ नहीं, सबको एक साथ माफ करो। खुले सबको माफ, आखिर आप माफ नहीं करते, करते हैं क्या, करते हैं कुछ नहीं करते। जानने की बात है, समझ की बात है कि जब हम कुछ करते ही नहीं तो बेकार में हम क्यों किसी के बारे में सोचे और अपना दिमाग और खराब। तो कृपया आप ऐसा करें, सबको एक साथ आप समा, बस यही दो शर्तें हैं। और तीसरी ये कि आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपको जबरदस्ती नहीं करते। परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी, मिल गया, लेकिन इसका कुछ तो देना होगा। मैंने कुछ नहीं, बस चैतन्य। जब आप गंगा जी में स्नान करके आते हैं तो एक उसके साथ घाघर भी भर के आते हैं कि दूसरों को भी गंगा जल दे देंगे। इसी प्रकार ये दूसरों को चैतन्य दो और कुछ नहीं। जैसे एक दीप प्यारे एक दीप जल सकते हैं, आप सब लोग बहुत कार्य है नोएडा में कर सकते हैं। और उससे आगे मैंने सुना है कि हापुड़ में और गाजियाबाद में और उससे आगे मेरठ तक आप लोग पहुँच गए।